हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2018 के मेन इवेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हेल इन अ सेल पीपीवी 16 सितंबर को होने वाला है, जहां पर एजे स्टाइल्स डिफेंड करेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप अगेंस्ट समोआ जो, एंड अकॉर्डिंग टू द रूमर समोआ जो बन सकते हैं आपके न्यू WWE चैंपियन बाय बीटिंग एजे स्टाइल्स। बट दोस्तों बेटिंग ऑड्स समोआ जो के साथ में नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स एजे स्टाइल्स स्टिल फेवरेटेड टू रिटेन हिज चैंपियनशिप एट हेल इन अ सेल। एंड जैसा कि एजे स्टाइल्स का ये टाइटल रिंग यानी कि सेकेंड टाइटल रिंग हो चुका है 302 डेज का, यानी कि एजे स्टाइल्स 302 डेज से हमारे WWE चैंपियन बने हुए हैं, एंड हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं और अपने टाइटल को एक शेयर की तरह डिफेंड करते हैं एंड उसे रिटेन भी करते हैं। एंड WWE भी चाहते हैं कि वो एजे स्टाइल्स को WWE चैंपियन बनाए रखें टिल रॉयल रंबल 2019 या टिल रसलमेनिया 35, बिकॉज WWE चाहेंगे कि एजे स्टाइल्स का लॉन्गेस्ट चैंपियन रिंग बने, बिकॉज WWE टाइटल ऐसे रेसलर के पास में होना चाहिए और ये रिकॉर्ड भी ऐसे रेसलर के नाम होना चाहिए जो कि एक फुल टाइमर हो, बेस्ट परफॉर्मर होने के साथ में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी हो। एंड किसे पता कि शायद इन द फ्यूचर एजे स्टाइल्स ब्रेक कर दे CM Punk का 434 डेज WWE चैंपियन बने रहने का रिकॉर्ड एंड बन जाए आपके लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। एंड दोस्तों वहीं मैं बात करूं द पावर हाउस रोमन रिंग्स की, तो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स रोमन रिंग्स बने रहेंगे आपके यूनिवर्सल चैंपियन टिल रसलमैनिया 35, बट वो बीच में अपने टाइटल को कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर सकते हैं एंड उस टाइटल को फिर से जीत सकते हैं। तो फिर दोस्तों सर्वाइवर सीरीज जैसा कि है नवंबर के मंथ में, तो वहां हमें हर साल WWE चैंपियन वर्सेस WWE यूनिवर्सल चैंपियन का मैच देखने को मिलता है, जहां दोनों के दोनों चैंपियंस अपने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दोस्तों रोमन रिंग्स हमारे यूनिवर्सल चैंपियन बने रहते हैं अगर सर्वाइवर सीरीज तक, एंड उसी तरह एजे स्टाइल्स भी किसी तरह से अपने टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज 2018 तक। तो हमें देखने को मिलेगा एक क्लासिक मेन इवेंट बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड रोमन रिंग्स। दोस्तों पहले भी इन दोनों के बीच में हमें मैच देखने को मिला था, जहां पर दो बार रोमन रिंग्स ने एजे स्टाइल्स को हराया था। तो दोस्तों अब हमें देखना होगा कि क्या क्लासिक मेन इवेंट हमें सर्वाइवर सीरीज 2018 में देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस मैच को सर्वाइवर सीरीज 2018 में देखना चाहेंगे। इसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको WWE की न्यूज अपडेट्स रूमर्स एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।